देर से ही सही, आखिरकार रेवाड़ी नगर परिषद की कुंभकर्णी नींद टूट ही गई और परिषद अधिकारियों आज उपायुक्त के आदेश पर एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम गठित कर बाजारों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। टीम के बाजारों में पहुंचते ही दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई और कई दुकानदार तो अपने प्रतिष्ठान बंद कर भागते नजर आए। मगर कुछ भी हो, आज मात्र एक दिन में ही कुछ ही देर से चले इस अभियान के बाद शहर के बाजार सालों बाद चौड़े नजर आए और इन बाजारों से निकलने वाले शहर के लोगों ने भी राहत की सांस ली। दरअसल इस न्यूज चैनल ने बीते दिन ही इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। जैसे ही खबर चैनल की सुर्खियां बनी तो प्रशासन ने इस मामले में तत्परता दिखाई और आज टीम बाजारों में अतिक्रमण हटाने के लिए निकल पड़ी। टीम ने सबसे पहले शहर की सबसे व्यस्तमंद पंजाबी मार्केट में अभियान की शुरुआत की और वहां न केवल अतिक्रमण हटवाया बल्कि कई दुकानदारों के चालान भी काटे, जैसे लेकर कई दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया। अब देखना ये होगा कि परिषद का यह अभियान कब तक जारी रहता है। रेवाड़ी से अजय अत्री, आजाद टीवी न्यूज। ये डीसी साहब के आदेश से म्युनिसिपल काउंसिल वाले और हम लोग मिलकर जो भी अवैध यहाँ पर कब्जे कर रखे हैं दुकानों के या किसी भी और तरह के, उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है। सर, लगातार देखा गया है प्रशासन के आने के बाद एक बार ठीक हो जाता है, बाद में फिर वही स्थिति हो जाती है, तो इसके लिए निरंतर क्या प्रयास किए जाएंगे? इसमें अभी पीछे कुछ दिन गैप हो गया था, लेकिन अब जो है हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये एक्टिविटी हमारी रेगुलर बेसिस पे चलती रहे और कोशिश ये रहेगी जैसे ही बैठे उसको हटाए। सर, आज एक ही मार्केट में हटाया गया है, क्या आगे भी रेगुलर रहेगा? अभी तो कार्रवाई चल रही है जी, अभी पूरा दिन बाकी है, तो कार्रवाई चलती रहेगी और आगे भी चलेगी।